नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइव पर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी ने पूरे देश को घेर लिया है। जी हां, कोरोना का कहर पूरे देश पर बरस रहा है। आपको बता दें कि मुंबई में अब तक लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। पूरे देश में मिला के अब तक 1.5 लाख से ज्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। लगातार कई सारे डेथ्स भी हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। वहीं अब इस लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और कोरोना वायरस की शिकार हो गई हैं। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर अकेले ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस बीमारी से लड़ रहा है। स्वरा भास्कर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके बताया कि 5 जनवरी को उन्हें फील हुआ कि उन्हें माइल्ड सिम्टम है। इसके बाद उन्हें पता चला कि उनके पूरे परिवार को इस बीमारी ने घेर लिया है। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने यह भी जानकारी दी कि वो डबल वैक्सीनेटेड हैं। दोनों डोज वैक्सीन की उन्होंने ले ली है और वो उम्मीद करती है कि वो जल्द ठीक हो जाएंगी। मुंबई में ऐसे सारे सेलिब्रिटीज सामने आ रहे हैं जिसने कोरोना वायरस से जो संक्रमित हो चुके हैं, लगातार कोरोना से लड़ रहे हैं। अब तक इस लिस्ट में कई सारे सेलिब्रिटीज का नाम जुड़ चुका है और लगातार ये लिस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि मुंबई और दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि आगे और कितने नाम सामने आते हैं। फिलहाल तो अभी स्वरा भास्कर का नाम सामने आ रहा है। स्वरा भास्कर का पूरा परिवार कोरोना से लड़ रहा है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।